अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हना। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग माय वीडियोस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माय न्यू डिश, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन के समोसे बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। जिसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम चिकन लिए, इसको मैंने बॉयल करके रख ली थी, इसके बारीक रेशे कर लिए। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इसको बॉयल करके रख लिए। 1 मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली थी, इसको बारीक काट लिए। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लिए, इसको भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए। थोड़ा सा धनिया लिया है। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसावा ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, चूल्हा मेरा मीडियम फ्लेम पर है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, लेकिन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया, अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूंगी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, 1 टीस्पून पिसावा ज़ीरा शामिल करूंगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। इसमें 1 टीस्पून आप धनिया पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, पर मैं अभी नहीं डाल रही इसमें धनिया पाउडर। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी जो मैंने बॉयल करके रखी थी, इसके रेशे कर लिए थे चिकन के। चिकन में मैंने सॉल्ट और अदरक लहसुन डालकर और काली मिर्च पाउडर डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। देखिए मैंने चिकन शामिल कर लिया, अब इसको अच्छे से स्पाइसेस के साथ हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं चिकन के समोसे बना रही हूँ, उसमें मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो, ज़रूरी नहीं है, आप लोग सब्ज़ी के भी बना सकते हैं, सिर्फ चिकन और सब्ज़ी के। मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ और सब्ज़ी भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। देखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे चिकन को। अच्छे से हमारे मसाले के साथ हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल करती हूँ, मैंने बारीक काट ली थी बंद गोभी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको भी हम 2-3 मिनट तक के फ्राई करेंगे, थोड़ी बंद गोभी गल जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए बंद गोभी को फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, इसको 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई करते हैं तो उसकी खुशबू चले जाती है, इसलिए हम इसको बस 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। चूल्हा हमारा लो फ्लेम पर है, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे सब्ज़ियों को, तो लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। देखें इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए। देखें अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए, अब आलू को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए इसमें थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समोसे बनाना बताऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं समोसे। समोसे की पट्टियाँ मैंने होममेड बनाई है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा। देखिए अब मैंने पट्टी ले ली है, अब इसमें थोड़ा सा हम मसाला डालें। मैं आपको बताऊँगी हम समोसे इस शेप में बनाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिए।
देखिए बहुत ही इजी मेथड है, इससे आप लोग बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए हमने ऐसे समोसा बना लिए, एक दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए हमने दूसरी पट्टी ली है, इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है। देखिए इस पर हमने थोड़ी सी सिलाई लगा ली। देखिए अब इसी तरह मैंने सारे समोसे बना लिए, अब हम समोसे तलना स्टार्ट करेंगे। पूरा हमारा मीडियम फ्लेम पर है, हम ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब समोसा तलना स्टार्ट करते हैं। समोसों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एक तरफ से हो गया, मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। देखिए समोसों का अच्छा सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। देखिए हमारे मज़ेदार से समोसे तैयार हैं, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन ब्राउन। ऐसे ही आप लोगों को फ्राई करने हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, उससे हमारे समोसे जल जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। और आप लोग को जो कुछ पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने ग्रुप का भी लिंक दे दिया है और अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे दिया, वो भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। देखिए आप लोग समोसों को फ्रीज भी कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा समोसे बना लिए थे तो मैंने इसे फ्रीज कर दिए थे। आप लोग इसे 1 वीक तक, 2 वीक तक और 1 मंथ तक फ्रीज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ समोसों को, क्योंकि इसमें आलू भी होते हैं, आलू बाद ही होते हैं, तो इसे 1 मंथ तक के आप फ्रीज करके खाएं, एंजॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।